ओके सो एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे आज हम, और नया टॉपिक भी चालू कर देंगे। चल फटाफट, इन फिगर 6.40 ई इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल एबीसी। तो क्या क्या गिवन है पहले लिख दो यहाँ पे। यार एबीसी एक आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके ठीक है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। देखो ए डी इज परपेंडिकुलर एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब एंगल एफ भी 90 डिग्री है। ओके गाइस ये वाला खत्म। प्रूव दैट ए बी डी, अच्छा ए बी डी ये वाला ट्राइंगल एंड ई सी एफ, ई सी एफ ये रेड वाला ट्राइंगल सिमिलर है। यस भुजबल बताओ फटाफट। सर 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 ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी आर ऑलरेडी प्रूफ्ड एज सर वो अपने एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल नहीं ओके बोथ द सो साइड्स आर एंगल ई इक्वल। इज इक्वल टू एंगल सॉरी एंगल डी इज इक्वल टू एफ होता 90 डिग्री। ओके यस सर। और क्या गिवन है? नहीं सर बताओ। शहर बताओ। तो एंगल सी इज कॉमन। कहाँ सी कॉमन है मैडम? ये ट्रायंगल, सर मैं बताऊँ सर ये ट्रायंगल इधर है ऐसे, है ना, दूसरा वाला ट्रायंगल इधर है ऐसे, ये एंगल सी तो सिर्फ इसमें है यहाँ पे। बताओ, मिनट मैं बता दूँ सर अरे मैं लिख बताऊँ। दिया ना, अरे लिख दिया मैंने पूरा। ओ ओके यहां देखो ये जो ट्रायंगल है पूरा बड़ा वाला एबीसी, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ए बी सी देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, यस और नो? बस अब ले लो ये दो ट्रायंगल ए डी, ये एफ बी एफ ई सी है ना, ये एंगल डी 90 डिग्री, एंगल एफ 90 डिग्री गिवन, एंड दिस एंगल बी सी फ्रॉम वन, हाँ कि नहीं? देयरफोर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल ई एफ बाय टेस्ट। खत्म। समझ में आया बच्चों सबको? एवरीबडी यस सर। वेरी गुड। सो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। तुम देखो यार कुछ है ही नहीं उसमें, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, बस अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। और एक और चीज मैं लिख के दे सकता हूं, 85% या 80 से 90% पेपर इस बार का सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी तुमको ये भी बताता हूं, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होंगे और टेक्स्ट बुक में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, है ना, तो तुमको ऑब्जेक्टिव्स की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं, लेकिन एटलीस्ट गोल्डन और ऑल इन वन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो कर लो यार, है ना, एंड एग्जाम्पलर, डू नॉट मिस आउट ऑन एग्जाम्पलर, राइट। और फिर बाकी कोई सेक्शन सी सेक्शन डी का एक क्वेश्चन भी टेक्सट बुक के बाहर से नहीं आने वाला है, गारंटी। इतना तो करो पहले। लेकिन अगर तुमको 80 मार्क्स के ऊपर स्कोर करना है, 80% के ऊपर, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, है ना। और प्रैक्टिस अलॉट मतलब यार दो बुक, एक दो बुक्स तो सॉल्व करोगे ना, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ रहा हूं, गिव मी अ मोमेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, गिव मी 1 सेकेंड।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में स्किप कर रहा हूं अभी, ठीक है? वो मैं या तो तुमको क्लास में पढ़ाऊंगा या तो लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत स्पेस लगती है उसको समझाने में, है ना? फिगर के सामने सब कुछ चाहिए होगा, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है? तो कोशिश करूंगा और आई एम होपिंग कि हम जल्दी मिलेंगे, तो क्लास में बता दूंगा, अदरवाइज फिर तो है ही ऑनलाइन। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, पहले ट्राइंगल ए बी सी बना लो, ए बी सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, तो यहां पे डी एक पॉइंट ले लेता हूं, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी एक पॉइंट लेना है। सच दैट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल। ओके, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां ध्यान दो, इसको मैं लिखूंगा सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, चलेगा क्या? है ना? अप्रोच, अप्रोच भूलना नहीं। स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट टू ट्राइंगल्स। कौन से दो ट्राइंगल जिसका CA, CA, CB और CD साइड्स होगा? CA, CA, CB, CD, ये कौन से दो ट्राइंगल के साइड है? देखो CA और एक और बार CA, हाँ कि नहीं? इधर ही सब क्लियर हो जाता है। तो मैं लूंगा इन ट्राइंगल ये वाला ए डी सी, ए डी सी, इधर वाला छोटू और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। देख लो सी बी, सी बी किसका साइड है? बड़े वाले का, है ना? सी डी किसका साइड है? ये छोटू का। तो सिलेक्ट टू ट्रायंगल्स जिनके ये साइड्स है। स्टेप नंबर टू, प्रूव दैट दे आर सिमिलर। खत्म। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए गिवन। देखो एडीसी, एंगल डीसी, एंगल एडीसी, ये ट्रायंगल वन का छोटू एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ए गिवन है, सीधा सीधा। एंड भाई एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल, हाँ कि नहीं? देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज बाय ए। स्टेप नंबर थ्री, सीपीएसटी लगा लो, हैंड्स प्रूड हो जाएगा, हाँ कि नहीं? लगाओ तो सीपीएसटी, एसी अपॉन एसी। अच्छा सॉरी गाइस, सिमिलैरिटी तो मैंने चेक की नहीं ना, किसकी किसके साथ, कौन किसके साथ सिमिलर है? ट्रायंगल ए टू, एंगल डी सेम है ए से, है ना? तो बीच में ए आना चाहिए, यहाँ पे सी के साथ सी आ, यहाँ सी आएगा, करेक्ट, और इधर बी। तो देखो ये गलत हो रहा था, जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप लिखी मुझे समझ गया कि मैंने गलत किया है, हाँ कि नहीं? अरे करस्पॉन्डेंस चेक करना पड़ेगा ना भाई, सी ए सी ए, एक के नीचे एक आ गया तो वो तो कट हो जाएगा, वैसे थोड़ी हो चाहिए हमको, समझ में आया? करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है, उसके ए कंपलसरी सिमिलैरिटी। मार्क्स कटते हैं क्या अगर अरे गलती से मैं गलत ही करस्पॉन्डेंस है, मैच जीरो नहीं कर मार्क्स रहा मिल हूँ? जाएगा, एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि वो मार्क्स इसलिए कटेंगे बेटा क्योंकि वो गलत है, करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, नहीं तो फिर सिमिलर होते नहीं है, है ना? तो करस्पॉन्डिंग लगाया। अब देखो एसी, वेरी गुड, एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू ये ए, तो इसके साथ आएगा डीसी। क्यों एसी लिया मैंने? क्योंकि मुझे दो बार एसी चाहिए ना, तो मैंने एक बार इसका एसी लिया और एक बार इसका एसी लिया, तो इसका एसी तो इसका डीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू डीसी, हेंस प्रूव, करेक्ट, आई बात समझ गए, है ना? तो जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो
कोई टेंशन नहीं, इट इज बेसिकली सीपीएसटी से प्रूव होने वाली चीज जो हम 10 बार एक्चुअली कर चुके हैं, है ना। तो इसको हम, मैंने 4 साइड लिख दी, सिलेक्ट ट्राइंगल्स जिसके ये साइड्स है, ओके टू दैट दे आर सिमिलर, ओके सीपीएसटी काम खत्म। ओके ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग गाइस, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बोला बाद में लूंगा, तो 15 16 ले लेते हैं आई गेस, दो है ना। और स्क्रोल इट वंस लाइक अप आई एम सपोज टू टेक अ स्क्रीनशॉट यस यस ओके ले लो। ओके बोलो सर। सर वो एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे कि सर आपने वो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे लिखे, क्योंकि ए के साथ बी नहीं डी आना चाहिए ना सर, जब आपने हाँ तो ए ट्रायंगल्स के साथ डी आ रहा है। सर पहला वाला ए के साथ आपने उसको बी लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग में सर, और डी के साथ ए आया है सर। अच्छा देख, एक ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ए डी सी चलेगा, ठीक है, यस सर यस और नो। यस सर अरे ए डी सी लिख दिया। अब देखो ये एंगल डी है, सॉरी एंगल ए है, यस, ये एंगल डी, ये एंगल सी। तो डी के साथ कौन सा एंगल आ रहा है? डी के साथ बड़े वाले ट्रायंगल का सर ए इक्वल है, यस और नो। तो बीच में डी है ए, और सी तो कॉमन है, तो इधर सी है तो इसके साथ सी आएगा, यहाँ पे बचा कौन भी। ठीक है सर समझा सर अरे समझा पक्का? यस सर समझा हाँ। तो अब एक और चीज, वन थिंग मेक इट वेरी क्लियर, ओके गाइस, राइट द कंप्लीट नेम्स ऑफ द एंगल्स। मैं वापस बता दे रहा हूं, एंगल डी तो एंगल डी नहीं लिखोगे, एडीसी लिखोगे, ए डी सी, और ये एंगल ए तो पूरा एंगल ए लिखोगे, क्योंकि तीन एंगल ए है मेरे पास, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, और ये भी एंगल ए है, ठीक है। माना कि तुमने यहां लिखा है इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, फिर भी लिख दो ना यार पूरा नाम, है ना, नहीं तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। ये है पूरा बी ए सी, बी ए सी, करेक्ट। तो इसलिए पूरा नाम लिखो तो ज्यादा अच्छा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट फिर ये लिखना बहुत जरूरी होगा कि कौन से की बात हो रही है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। ओके वेरी सिंपल, बहुत ही हद लो लेवल का क्वेश्चन है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ऑन द ग्राउंड। यहां देखो ये वर्टिकल पोल 6 मीटर का, यहां पे अगर सन है सपोज, तो इसका शेडो कहाँ गिरेगा बच्चों? ये इसका शेडो, हाँ कि नहीं? अरे अगर कोई बच्चा ऐसे खड़ा है तो इसका शेडो ऐसे गिरेगा ना जमीन पे, करेक्ट। तो ये हो गया इसका पोल का शेडो, ओके। देन एट द सेम टाइम और टॉवर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक टॉवर है कोई, तो उसका शेडो है 28 मीटर का, है ना, ये, और उसका शेडो है 28 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ओके। बन गए दो ट्रायंगल, है ना, ए बी सी P Q R, प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सीपीएसटी लगाओ आंसर आ जाएगा। तनिषा टेल मी हाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वन वी हैव द एंगल कॉमन लाइक 90 डिग्री, बोथ द ट्रायंगल्स आर नाइनटी डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस गाइस। अरे जमीन पे पे तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, ऐसे सीधा खड़ा है, ओके। So the second thing I'm not sure, but then if the sun is at a place, so both the triangles will have the same angle of theta. So कौन सा angle B, वाला? angle BAC will be equal to angle QPR. अच्छा मतलब यू आर सेइंग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इट? Yes, sir. अच्छा
ओके एनीबडी एल्स आर्यन सर शायद ए सी बी और पी आर क्यू सेम हो सकते हैं सर सर क्योंकि स्टिल पॉइंट पे है ना सन सर, लेकिन हाइट अलग है तो इसलिए हाइट से एंगल सर शायद सेम नहीं बनाएगा, लेकिन जब वो ग्राउंड पे मीट करेगा तो सेम एंगल बनाएगा सर, तो इसलिए हाँ ए सी बी एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली यहाँ देखो यार ये सन है ठीक है ये है टावर करेक्ट यार जो पॉइंट से ये आने वाला है ऐसे ये देखो यहाँ पे ठीक है ये पॉइंट ले लो सी उसी डायग्राम को अलग वे में बना रहा हूं उसी डायग्राम को अलग वे में ये है हमारा टावर ठीक है और ये है हमारा पोल पोल का शेडो देखो यहाँ कितना है 6 मीटर पोल का हाइट 8 मीटर यस और नो और ये हो गया टावर का शेडो कितना होगा टावर का शेडो 28 रखा है बोला है फाइंड द हाइट देखो यार इस पॉइंट से अगर ये सन की रेज यहां से आ रही है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज एक्चुअली कॉमन यस और नो है ना तो वही चीज यहां पे भी है लेकिन यहां सिर्फ मैंने दो अलग ट्राइंगल्स बना दिए तो वो चीज विजुअलाइज नहीं हुई है ना वही तो समझना था अब तुम ये फिगर बनाओ तो भी चलेगा तुम ये फिगर बनाओ तो भी चलेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिगर ज्यादा बेटर होगा है ना सन बनाने की जरूरत नहीं है नाम देंगे इसको ए बी सी पी क्यू ये ले लो है ना टॉवर पर ये पोल लिखना जरूरी होगा फिगर में नहीं लिखोगे गया है ना अब दो ट्रायंगल ले लो इन सर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल यू सी बोलो सर लेकिन अभी देखा जाए तो टॉवर और पोल को अगर साथ में खड़ा करेंगे तो सर वो पैरेलल हो सकता है ना, तो फिर वो एंगल सेम नहीं होगा ऊपर वाला। पैरेलल ही है वो ये दोनों हाँ सर, तो फिर बी ए पी और क्यू पी सी भी सर इक्वल होएगा ना। ऑब्वियसली सेम है क्योंकि ए ए टेस्ट है भाई दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल ही होगा ना लेकिन रीजन कैसे बताओगे फाइन ओके रीजन बताना पड़ेगा ना तुमको तो अभी ये डायग्राम बना दो है ना हाँ ठीक है सर। सर आर्यन ने जो बोला वो तो सही है ना सर अगर पैरेलल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ना अरे बेटा वो इस फिगर में बता सकते हो ना इस फिगर में नहीं बता सकते थे ना करेक्ट करेक्ट यहाँ पे और सर पैरेलल कैसे लेके पे भी नहीं एक किया है देखो क्योंकि अब मुझे बता यहाँ देखो यहाँ ये एक लाइन है ये एक लाइन है ना ट्रांसवर्सल किधर है यस यहाँ देखोगे तो ट्रांसवर्सल है ये इससे पैरेलल अरे तनिषा तनिषा बहुत शोर करती है ओके ये इससे पैरेलल ओके और अब ये एंगल इससे इक्वल करस्पॉन्डिंग कैसे भी चलेगा इस डायग्राम में बता सकते हो पिछले वाले डायग्राम में नहीं बता सकते थे वही तो मैं बोलना चाहता हूँ करेक्ट लेकिन पिछला वाला डायग्राम भी गलत नहीं था लेकिन उसमें तुमको क्या बोलना पड़ेगा पता है एंगल सी इज इक्वल टू आर बोथ आर एंगल ऑफ एलिवेशन यस ये एंगल ऑफ एलिवेशन का कौन सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ठीक है तो वहां पे ये सम एग्जैक्टली एज इट इज फिर से आएगा ओके तब ऐसा फिगर दिया रहेगा और बोलेंगे प्रूव करो तो बेसिकली ये और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलना पड़ेगा है ना तो इसी को हमने ऐसे बनाया अब चाहो तो एंगल बी पहले तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है ना और या तो एंगल ए और पी को ले लो करस्पॉन्डिंग बोल के या एंगल इज इक्वल टू यू इट्स अप टू यू तो ए बी सी देखो बड़ा वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर यस और नो गाइस अब तुमको फाइंड क्या करना है ए बी फाइंड करना है ए बी अपॉन कौन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू और तुमको पता क्या क्या है क्या क्या पता है तुमको पी क्यू तो पता ही है बी सी पता है बी सी का पार्टनर कौन क्यू आर यस
आर नहीं है, सी है, पी क्यू सी, पी क्यू सी, तो बी सी अपॉन क्यू सी बाय सी पी एस टी। ये अक्षत आशीष समझ रहा है, वेदांत पार्थ पी सर, क्यू, पी क्यू इज यस सर, एट, बी सी, बी सी इज 28, क्यू सी इज 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द हाइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के हाइट लिख देना इन मीटर या सेंटीमीटर, जो भी उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, मीटर तो मीटर में आंसर आएगा। आई बात समझ सबको? एवरीबडी वेरी गुड, है ना? तुम अपने नोटबुक में सन भी बना लो ताकि तुमको समझेगा, अच्छा ऐसे हाइट आ रहा है ना? कोई बच्चा अगर इतने हाइट का है इतना, तो ऑब्वियसली सन यहां से जाएगा तो शेड छोटा सा, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, है ना? आगे बढ़ाए, ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन गाइस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड देन वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक में ऑब्वियसली सिमिलैरिटी तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नया टॉपिक नहीं आ सकता। ओके गाइस, ये 12th और 14th के साथ लूंगा, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इजीली हो जाएगा, देखो तो जरा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ए डी पी एम आर ए बी सी पी क्यू आर, इससे पहले वाला जो फाइनल आंसर है वो डेसिमल में आ रहा था कि सेवन पॉइंट थ्री? हाँ सर इससे पहले वाला आपने जो फाइनल आंसर निकालने बोला ना, उसका आंसर हाँ हाँ डेसिमल डेसिमल में में आ आएगा, रहा डेसिमल में, ऑफ कोर्स डेसिमल में ही आ रहा है, वो डेसिमल में आएगा, ठीक है ना, चलेगा ना, इट्स ओके इट्स ओके, पीछे बुक में आंसर चेक कर लेना, वही रहेगा, फाइन ओके। चलो यहाँ ध्यान देंगे गाइस, ओके, मार्क दिस एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके देखो, एडी पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर, ये है ट्रायंगल एबीसी, ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ओके। एडी है मीडियन, पीएम है इसका मीडियन, ठीक है भाई, ओके। तो गिवन क्या है, फिगर बनाना मैंडेटरी, गिवन है बीडी इज इक्वल टू सीडी, ये एडी मीडियन है ना, तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, वेरी गुड। अब देखो टू प्रूव क्या, और एक चीज गिवन है बाय द वे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, टू प्रूव, टू प्रूव पे जाएंगे, टू देखो, ए बी अपॉन इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो जब भी ऐसा है अप्रोच सिलेक्ट टू ट्राइंगल्स, वेरी गुड, कौन से दो ट्राइंगल सिलेक्ट किए जाए, हम करेंगे ऐसे ट्राइंगल्स जिसका ए बी और ए डी साइड है, ओके, ये तो ए बी और ए डी, तो ये छोटू ट्राइंगल, और पी क्यू पी है, पी है पी एम, मतलब ये छोटू ट्राइंगल, अगर इन दोनों को तुम सिमिलर प्रूव कर दो, यस ये वाला वन और टू, देन सीपीएसटी से ये हो जाएगा खत्म काम, हाँ कि नहीं, प्रूव दैट दे आर सिमिलर, करूं, प्रूफ कौन करेगा कौन करेगा कौन करूं, करेगा कौन करेगा कौन करेगा, यस श्वेता प्रूफ बताओ, कि एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर, सो एबी वेरी गुड, अरे 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 अरे, ओ मैडम मैडम मैडम, मैं इज रजनीकांत नहीं हूँ, है ना, आई एम नॉट रजनीकांत, अरे हाँ बोलो अभी, हाँ, तो एंगल बी वेरी गुड, और एबी एक मिनट ऊपर लो ना, इधर देखो ना। हाँ
हाँ मैंने लिख दिया ना तो तुम्हारे लिए, फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है यस यार, क्योंकि मैंने यहाँ पे इससे लिखना है तुमको जो भी है, ए बी, ए बी का भाई पी क्यू, बी सी, बी सी की बहन क्यू आर, ए सी, ए सी का पार्टनर पी आर, जो भी है ना यहाँ से हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है उसमें। क्लियर? ओके फिर बच्चों वंस अगेन नोटिस फिर केयरफुली, हम लोग ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटा, हाँ, हम लोग लेने वाले हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये वन जहां लिखा है मैंने छोटू इधर का, और टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ये लेने वाले हैं हम, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो सकता, देखो उसके बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो हमको थोड़ा सा टेढ़ा अप्रोच लेना पड़ेगा जो हम ले रहे हैं। हाँ यस मैडम बोलो। और गिवन, हाँ तो गिवन कि ए बी इज इक्वल इस पी क्यू, एक साइड तो हो गया, दूसरा इज, अरे सर, इस गिवन इसका जो बेस है ना वो भी प्रोपोर्शनल है, सो द हाफ वुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल. एब्सोल्युटली, बस श्वेता अभी स्टॉप हो जाओ, अब बाकी लोग ध्यान दो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स ओके। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, व्हाट इज हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी इज बी डी, व्हाट इज हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यों क्यू आर इज क्यू एम, तो बी बाई क्यू एम इज इक्वल एम, है ना, हो गया ना यार। फिर एंड एंड अरे एंड बी इधर का ये छोटू था, दूसरा यहां लिखा था ए बी डी, है ना, और यहां लिखा था पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो हो गया ना फिर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय यस ये यस यस। तो जो गिवन था यस, उसमें से हमने ये एंगल क्यू ले लिया और इतना पार्ट लिया और इसको हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, काम तमाम, हमको मिल गया जो चाहिए। एंड बाय सीपीसीटी सीपीएसटी ए बी, क्या चाहिए भाई हमको, जो भी चाहिए ले लेना यार, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। इसमें से क्या प्रूव करने बोला है, कौन से दो, ए बी पी क्यू ए डी पी एम, ए बी पी क्यू ए डी पी एम, तो ये वाला और ये वाला तो है प्रूव। समझ में आया, ठीक है। सर तो गाइस सिर्फ, वो हाफ वाले स्टेप से वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे केस पिक्चर सिर्फ एक ही है कि एक साइड को तुमको हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करना है ना। क्यों किया, क्यों किया, ताकि देखो ये ए बी बाय पी क्यू तो हमारे पास है ही, है ना, ताकि हमको बी डी बाय क्यू एम मिल जाए, बी सी बाय क्यू आर दे रखा है तो हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किया उसको, है ना, और देखो ये दोनों इक्वल है, मीडियन है होने की वजह से, है ना। तो हमने जो गिवन है पहले वो लिया, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे ये चीज ले ली बाय सी पी एस टी, ए बी बाय पी क्यू इज बी सी बाय क्यू आर, सिर्फ बी सी बाय क्यू आर को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हम पी क्यू इज बी बाय क्यू एम, ये देखो ए बी बाय पी क्यू बी बाय क्यू एम। और बड़े दो ट्राइंगल अगर तुम देखोगे तो उसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी, है ना, तो हो गया ये दोनों ट्राइंगल, देखो साइड बीच में का एंगल, दे आर सिमिलर बाय ए एस, सॉरी एस ए एस,
एंड देयर फोर बाय सीपीएसटी दिस इज इक्वल टू दिस हेंस फ्रूट. सर समझा? यस आर्यन बोलो, क्यों हाथ ऊपर कर रहा है? नहीं सर ऐसे क्या डाउट. अच्छा मुझे लगा कुछ पूछना चाहता है. ओके नो प्रॉब्लम. क्लियर है गाइज एवरीबडी? परफेक्ट. सो दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज. दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मुझे पता है ना. उसके लिए मुझे एक पूरा बोर्ड चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक बोर्ड से भी ज्यादा स्पेस चाहिए है ना. तो इतने ऐसे स्क्रीन पे तो क्या ही करूंगा, 10 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा. सो होल्ड ऑन. ओके शुड वी मूव अहेड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. थ्योरम थ्योरम ऑन बस ये लास्ट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अच्छा नाउ लिसन, हर साल मैं यही करता हूं और मैं तुमसे पूछने नहीं वाला, इस बार भी मैं यही करूंगा. ये एक्सरसाइज के बाद दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. जो अगला एक्सरसाइज रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, उसको एक अलग चैप्टर कंसिडर करना है ना. कुछ 15-20 क्वेश्चन है उसमें, और यस वो एक पर्टिकुलर अप्रोच से हर क्वेश्चन टैकल करना सिखाऊंगा, एक सिंगल अप्रोच से, एंड इट विल बी वेरी इजी. लेकिन क्या करो, ये तीन एक्सरसाइजेस सेम है ना, तो इसको एक चैप्टर और वो कंप्लीटली अलग पार्ट है, कंप्लीटली अलग कंसिडर करो उसको, और उसको एज अ डिफरेंट चैप्टर कंसिडर करके, एक नया चैप्टर सिखा करके, या फिर एक साइंस का चैप्टर लेके फिर उस पे आएंगे है ना. तो ये तीन एक्सरसाइज के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना अच्छा होगा है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए बहुत सारा है ना, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटीज खत्म हो जाता है और वहां कुछ अलग ही चालू होने वाला है सब. ठीक है, जिसमें यस इसका काम है, लेकिन थोड़ा सा काम है, बहुत ज्यादा नहीं, सिमिलैरिटीज का तो काम रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होने के बाद इट विल बी एंड ऑफ चैप्टर पार्ट वन, ऐसे समझ लो. ठीक है ना, ये थ्योरम निकाल दिया है एग्जाम से, मतलब इसका प्रूफ निकाल दिया है शायद. ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा. फिलहाल मैं तुमको इसका मैं तुमको थ्योरम बता देता हूं है क्या. थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो अगर दो ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर. अच्छा गाइज वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, दोज हु वांट टू प्रैक्टिस मोर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, और सीखना है और अच्छा करना है, सो इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास 5:45 को, 5:45 PM को आईसीएससी 10th का क्लास है, उनका भी सेम चैप्टर चल रहा है, सेम टॉपिक चल रहा है, एवरीथिंग इज सेम है ना, और क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं. यस, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू जॉइन दैट क्लास है ना, अच्छा होगा. यस, और अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तुम्हारे बुक से सारे क्वेश्चंस अलग रहते हैं. यस, सेम कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, सिर्फ वैरायटी मिलेगी काफी सारी है ना. सो इट विल बी ग्रेट इफ यू गाइस कैन जॉइन. सर आप उनका रिकॉर्डेड लेक्चर भेज सकते हो क्या ग्रुप पे? वो मैं भेजने ही वाला हूँ एज अ रिविजन फॉर यू गाइस बाद में. ठीक है, सो इवन इफ यू डोंट जॉइन इट्स ओके राइट. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए उनका रिकॉर्डेड सेशन ही भेजूंगा, तो प्रैक्टिस होगी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके सर. ठीक है, यस सर. चल, नहीं तो एट अ स्ट्रेच क्या एक्चुअली ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों को, तो नहीं ज्वाइन करो तो भी चलेगा, बट किसी को बहुत ही इंटरेस्ट होगा तो मोस्ट वेलकम यार. सो अगर दो ट्रायंगल है एंड इफ इट शुड बी गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, या तो गिवन होना चाहिए या पहले तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. देन अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का पार्टनर पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी का पार्टनर क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू
एसी का पार्टनर पी आर, ए बाय पी एल का होल स्क्वायर। आई बात समझ, है ना? ये हो गया मेन थ्योरम, मेन थ्योरम। ओके, लेकिन इसके साथ साथ तुमको एक और चीज याद रखनी है, वो है इसका प्रूफ भी आने वाला है। एक एक्सरसाइजेज में एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें ये प्रूव करने बोलेंगे। यहां देखो, ये है इसका मीडियन एडी और ये है क्यू आर एस इज ऑल्सो इक्वल स्क्वायर। क्लियर है? और अरे हो जा भाई, ये है इसका ऑल्टीट्यूड ए। मीडियन और ऑल्टीट्यूड अलग अलग होता है, और ये है इसका ऑल्टीट्यूड पी क्यू आर एस टी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाय पी टी का, है ना? यस, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी बाय पी आर होल स्क्वायर। थियरम बच्चों सिर्फ इतना है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि जो मीडियन का रेशियो है उसका स्क्वायर भी इक्वल होता है, जो ऑल्टीट्यूड का रेशियो है उसका स्क्वायर भी इक्वल होता है। क्लियर है एवरीबडी? यस सर, एवरीबडी परफेक्ट। सो एक बार एक्सप्लेन करो। ओके, एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस पे से थ्योरम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी, लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ। ओके गाइस, दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, दोनों सिमिलर। तो गिवन ट्रायंगल इस, ओके, देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इफ ईएफ इज इक्वल टू दिस मच पॉइंट बीसी। ओके, तो देखो यहां पे इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ठीक है, डीईएफ गिवन है ना, देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एफ इज इक्वल टू, देखो गाइस यहां पे ईएफ दिया है, ईएफ तो ईएफ का पार्टनर कौन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर। यहां पे क्या लिखोगे रीजन, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यूजिंग थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। डाल दो वैल्यूज, एबीसी का एरिया 64, इसका एरिया 121 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 15. हाउ डू यू सॉल्व दिस, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 21 121 का 11, बीसी अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट द वैल्यू ऑफ बीसी, बीसी इज इक्वल टू 7.5 सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हो गया। आप क्या बोले, वापस बोले। पूरे क्वेश्चन में आवाज ब्रेक हुआ क्या? तो हाँ सर, मैडम जब ब्रेक होना चालू हुआ तब क्यों नहीं बताया मुझे? देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं एबीसी एंड डीईएफ, राइट?
हमने क्या किया, बोला ठीक है गिवन, नाउ एबीसी एरिया ऑफ एबीसी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू ईएफ अपॉन बीसी का स्क्वायर। ये कैसे, यूजिंग द थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है देखो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ पास इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। AB का करस्पॉन्डिंग PQ उसके रेशियो का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर एंड AC अपॉन PR का स्क्वायर। यस आई विल राइट इट हियर, द रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। देखो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ या द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। आज बात समझ ना, ने यहाँ अप्लाई की, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हाँ वो तो गिवन है, तो रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। उसमें से हमने सिर्फ ये लिया ईएफ, क्योंकि वो दे रखा है, तो ईएफ का पार्टनर कौन है, बीसी, तो ईएफ अपॉन बीसी, या सॉरी बीसी अपॉन ईएफ। एबीसी का बीसी, डीईएफ का ईएफ, है ना। और टेक स्क्वायर रूट, तो 8/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीसी का वैल्यू आएगा। वैल्यू निकालने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन करना, फिर आखिरी में 11 से डिवाइड कर देना, काम खत्म। क्लियर? यस सहर, बाकी लोग सर। परफेक्ट है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा एक्सरसाइज का। ओके, स्क्रीनशॉट 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 ले लो। बच्चों वंस अगेन, जल्दबाजी के लिए कॉपी नहीं करना, डू नॉट कॉपी, ट्राई ऑन योर ओन। हो नोटबुक में उसी का फायदा होगा, कॉपी करने का फायदा नहीं होगा, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, इंटरसेक्ट ओ, फिगर बनाओ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर यू मेक द फिगर, AB मतलब AB बड़ा है तो AB नीचे लिखना, AB इज डबल ऑफ CD, तो CD छोटा है, CD को दो बार लोगे तब AB मिलेगा। अगर तुमने AB ऊपर CD नीचे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। करता है का मुलानो, वेरी गुड। वेर AB इज पैरेलल टू दिस, ग्रेट। देर आर टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, वेरी गुड, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, करेक्ट। जब जब रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, मतलब समझ लो ये थ्योरम यूज करना है ना। लेकिन ये थ्योरम यूज करने के लिए ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, तो पहले प्रूव करो कि ट्रायंगल सिमिलर है, उसके बिना थ्योरम नहीं लगा सकते। तो ये नीचे का एंड COD, कैश ऑन डिलीवरी, ये वाला है ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, कैसे। और ये पैरेलल है अल्टरनेटिव ना। हाँ क्या बोलते हैं, एंगल्स ओके परफेक्ट, ये वाला इससे इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, है ना, कैसे, अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ई। देखो ए सी से इक्वल है, तो पहले ए तो फिर पहले सी, बीच में ओ भी वर्टिकली ऑपोजिट है, लेकिन हमने दो यू ए टेस्ट से। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, देखो हमको ए बी और सी डी का रिलेशन पता है, इसलिए मैं लूंगा ए बी और सी डी होल स्क्वायर,
बट ए बी इज डी, तो ए बी के बदले लिखा 2 CD अपॉन सी डी का होल स्क्वायर, सी डी से 2 1 खत्म, है ना, 4:1 इज द रेशियो। क्लियर है? यस। तो थ्योरम बोलता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर, तो यहां गिवन नहीं था सिमिलर है ना, पहले केस में देखो सीधा सीधा गिवन था, यहां गिवन नहीं था, तो पहले प्रूव किया हमने कि देखो भाई ये सिमिलर है, और उसके बाद में, अच्छा यहां लिखना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड, ये क्यों अटक गया, यहां यहां क्या लिखना पड़ेगा, मतलब आगे डॉट डॉट देके, कैसे, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर, ये नहीं लिखोगे रीजन तो आधा मार गया, राइट, कि भाई ये कैसे आया, ये कैसे, हाउ कैन यू से दिस, तो आई कैन से दिस यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरम। क्लियर है ना? सो दैट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, सो एनी डाउट इन एनी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन?